नमस्कार दोस्तों, आप सबका होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर चले बिना देर किए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, इस हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है लगभग आधा कप दलिया। अब इसे यहीं पर छोड़ के 1/3 कप साबुत मूंग को मिक्सी के जार में डालकर बिना पानी डाले बस थोड़ा सा मिक्सी को चलाकर लेना है। ये देखिए ऐसा दरदरा पीस ले। अभी इसे उठा के हम इसे दलिया के साथ ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास हरे मूंग की टुकड़ा दाल है तो आप उसे इस्तेमाल करें। मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मैंने साबुत मूंग को पीस कर यूज़ किया है। तो काफ़ी सारा पानी डाल के पहले इसे एक या दो बार धोकर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे दो बार धोकर लिया है। अभी इसे उठा के हम चलते हैं किचन के ओर। यहाँ पर हम पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डाल के गर्म करके लेंगे, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई और सेम क्वांटिटी में जीरा। अब स्लाइस में कटी हुई 3 हरी मिर्ची डालकर स्लाइस में कटा हुआ 1 प्याज डाल के 7 से 8 कड़ी पत्ते डालेंगे और इन सबको एक साथ भून कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बल्कि प्याज का हल्का सा कच्चापन निकल जाने तक फ्राई करेंगे। अभी 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर कुछ सेकंड तक चम्मच चलाएंगे। और ऐसे चम्मच चलाने के बाद बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डाल के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए स्वादानुसार नमक डालकर टमाटर सॉफ्ट होने तक भून कर लेना है। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब डालना है जो हमने दलिया और मूंग को धोकर रखा था उसे। अभी इसमें कुछ भी डाले बिना 30 से 40 सेकंड तक चम्मच चलाएंगे। और ऐसे चम्मच चलाने के बाद इसमें डालना है पानी। यहाँ पर हमें पानी 3 कप डालना है। तो पानी डालने के बाद थोड़ा चम्मच चला के गैस के फ्लेम को मीडियम रख कर पैन को कवर करके इसे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट के बाद दोस्तों हमारी खिचड़ी पक चुकी है। तो अभी क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गैस को बंद करके पैन को ढक कर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद गर्मा गर्म खिचड़ी का नाश्ता बनके तैयार है। तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को आप ज़रूर बना के देखें, और बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा घी डालकर इसे गर्मा गर्म खाएंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।